नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। केंद्र सरकार ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया है। इस बड़े फैसले के तहत केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी चीफ का कार्यकाल बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सीबीआई और ईडी के प्रमुखों के कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिए हैं। अब तक इन एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल तक ही होता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अध्यादेश के अनुसार इन शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद साल दर साल 3 साल तक के लिए विस्तार दिया जा सकता है। जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार से जुड़े मामले में एक निर्णय दिया, जिसमें कार्यकाल के विस्तार को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से ये अध्यादेश ऐसे वक्त पर लाए गए हैं जब विपक्षी दलों की ओर से लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सीबीआई, ईडी और अन्य जाँच एजेंसियों के जरिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि एजेंसियों के काम में उसका कोई दखल नहीं है और वो अपना काम कानून और नियमों के मुताबिक ही कर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।